किसान भाइयों, देखिए ये तजुर्बे की बात है, कितना बड़ा खेत और सारे में सब्जी, ये देखिए कम से कम होना हो 15 बीघे खेत होगा। कितनी लागत लगाई किसान ने इसमें, सारे में पन्नी ही पन्नी। भाइयों, इन पन्नी के अंदर सब्जी हैं, ये क्या हैं ये मैं नहीं बता सकता, यहाँ खेत वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लेकिन मेहनत बहुत है। पहले इसमें मैंने वीडियो बनाई है, तोरी, घिया, करेला की ये सब्जी जो बांस बल्ली लगाते हैं उस पर कर चुके हैं। चौधरी होराम सिंह जिटोली वालों के एक खेत हैं, जिनकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी होगी, 100 बीघे में बना घर, उन्हीं चोई साहब का ये खेत है। ज़मीन तो बहुत है इनके पास, लेकिन ये गांव के गोरे का चक है, ये सरसों खड़ी पड़ा भी खेत है और ये गन्ना भी इन्हीं का ही है। भाई ये चमक नहीं रहा इसमें क्या सब्जी बोई है, क्योंकि ये बिल्कुल ढका हुआ है, लेकिन मेहनत बहुत है। आप देखिए कितनी सारी पन्नियाँ हैं, कितनी लंबी लंबी, ये देखिए आप कितना पैसा इन्होंने इसमें खर्च कर दिया होगा। और ये सरिया लगाया है इसमें, ये सरिया है, लकड़ी क्या है, सरिया है ये लोहे का, हर 2 मीटर पे 4-5 फुट पे ये सरिया दिया है इन्होंने, 5 फुट के आसपास। तो ये देखिए आप पूरे खेत में कितनी लागत लगा चुके हैं, और ये वही किसान लगाता है जिसे तजुर्बा हो गया हो इस चीज़ का। नया आदमी हम और आप जैसा नहीं कर सकता, ये वही करेगा जिसने ये काम कर लिया हो। इनके यहाँ मैंने देखे हैं घिया, तोरी, करेला बड़े सुंदर पैदा होते हैं, ये देखिए आप। अब आज 2-3 जनवरी है, और मेरे ख्याल में 15 फरवरी तक पाले का जोर ख़त्म हो जाएगा, तब ये पन्नी हटा देंगे, इधर इनके पेड़ इतने परिपक्व हो जाएंगे। तो ये अगेती फसल है जी, अगेती, अगर हम इस फसल को मार्च में बोते पाड़ा उतरे पे तो होती तो, लेकिन लेट हो जाती, इतने मार्च लो हमारी फसल बोई जाएगी, इतने इनकी फल देना शुरू कर देगी बड़े आराम से, हो सकता है फरवरी में शुरू ना कर दे। तो पैसा तो लगा, लेकिन ये सारा वसूल है, लागत सारी वसूल हो जाएगी अगेती के कारण। और ये ऑर्गेनिक करते हैं, इनका तो माल भी होटलों में जाता है। तो भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ, मैं नाम बता रहा हूँ, चौधरी होराम सिंह सनोब गिरधारी सिंह, गांव जिटोली, मेरठ, कैंट। नमस्कार भाइयों। आगे वो किसान जिन्होंने इसमें सब्जी बोई है, तो बड़े भैया एक बात बताओ, इसमें क्या क्या बो रखा? इसमें एक साइड में खीरा है, एक साइड में घिया है। अच्छा, एक साइड में खीरा, ये हाइब्रिड बीज होगा? हाँ, हाइब्रिड। अगर इसे एक महीने पीछे बोते पाड़ा उतरे पे तो थारा खर्चा बच जाता? इसमें पैसा ज्यादा, अब पैसा ज्यादा बचेगा इसमें। अच्छा, अब फायदा रहेगा। हाँ। तो ये सब वसूल हो जाएंगे पन्नी? हाँ, बन्नी के बढ़िया। आधे में घिया, आधे में तोरी और खीरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आधे में तोरी। तो ये तो बहुत पैसा लग गया होगा इसमें तो? हाँ, पैसा तो इसमें लग गया, लग गया होगा। ये तो मुझे लगा ट्रक में भर के आई होंगी, पन्नी बहुत है। तो ये एक ही पूरे खेत में एक ही बन? अच्छा अच्छा। तो भाइयों, इन्होंने बताया पूरी अच्छी बात, घिया और खीरा, घिया करेला, हाँ, और फिर आगे जाके जाल बिछाओगे फिर? हाँ, फिर यह बात। धन्यवाद जी।